अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने किचन से और मैं अपने किचन का कुछ मेकओवर करना चाह रही हूँ। बहुत टाइम से मैं ये प्लान कर रही थी, लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान चली जाती थी हर 6 मंथ्स बाद और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती थी जिसकी वजह से मैं अपने किचन को चेंज नहीं कर पाती थी, तो हस्बैंड की छुट्टियाँ थी तो सोचा कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और हस्बैंड के साथ मिल के किचन की एक एक चीज़ चेंज कर दी जाए। ये कैबिनेट्स जो के वाइट कलर की हैं, इनका कलर हमें चेंज करना है। फिर ये सारी सेटिंग जो यहाँ पे हुई हुई है, ये ऑयल का जो बॉक्स है, ये हर चीज़ मुझे चेंज करनी है। और इसी तरीके से ये जो मेरे किचन के साथ थोड़ा सा स्टोरेज की जगह है, इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने किचन में क्या चेंजेस करती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले करूँगी मैं कुछ डीक्लटर। वो सारे बर्तन जो बहुत टाइम से मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन वो यूज़ मैं नहीं कर रही, वो सब निकाल दूँगी और उसके बाद मैं कुछ किचन से रिलेटेड चीज़ें बाय करूँगी। यहाँ पे मैं आई हुई थी शीट्स बाय करने और मैं आपको वन बाय वन वो सारी चीज़ें दिखाती हूँ, उनकी प्राइसेस भी बताती हूँ। ये जिस शॉप से मैं सारी चीज़ें लेके आई थी, ये हाफ़ प्राइस इसका नाम है और ये 5 रियाल की ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई हैं, क्योंकि आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि बहुत ही कम बजट में हमने ये सारा कुछ करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये रेंटेड अपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पे हमने लाइफ टाइम तो रहना नहीं होता, तो इसलिए जितना काम बजट फ्रेंडली हो उतना ही अच्छा है। तो ये कुछ प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट लुक देते हैं, तो इसलिए ये प्लांट्स मैं बाय करके लेके आई हूँ और ये फेक प्लांट्स हैं। उसके बाद मैंने ये जार बाय किया है घी डालने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बों में घी बहुत बुरा लगता था और मुझे बहुत टाइम से इस तरह का जार चाहिए था। और उसके साथ ही ये प्लेट्स बाय की हैं मैंने, और मेरे किचन की प्लेट्स भी प्लास्टिक की थी बहुत टाइम से, जो कि मैंने निकाल दी हैं और अब इसलिए ये वाली प्लेट्स मैं लेके आई हूँ, ये वाला रैक में लेके आई हूँ। और बाय द वे ये सब चीज़ें मुझे 5 point something रियाल की मिली हैं, और उस शॉप का भी मैं आपको एक फुल टूर दूंगी आगे चल के अपनी कुछ वीडियोस में, और मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ से मैंने क्या क्या चीज़ें और भी बाय की थी। और इसी तरीके से ऑयल रखने के लिए हमेशा ऐसा होता था कि ऑयल जहाँ भी रखा जाता है वो हर जगह फैल जाता था, तो इस तरह का ये वुडन मैं रैक लेके आई हूँ। और यहाँ पे क्योंकि हम दीवारों पर बहुत ज़्यादा कीले नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये चीज़ें मैं लगा दूंगी ताकि अगर मुझे कोई चीज़ हैंग करनी हो तो वो काफ़ी कन्वीनियंट है। और ये बखूर के लिए मैंने हैं कॉइल्स लिए हैं, और इसके साथ ही ये कुछ और प्लांट्स। किचन की कैबिनेट्स में बहुत सी चीज़ें अगर आपकी बिखरी पड़ी हैं तो उसको आप इस तरह की बास्केट्स में रख दें। और इसी तरह ये फ्रिज के लिए मुझे ये बहुत अच्छा 5 रियाल का मिल गया था, तो बास्केट्स में ऐसा होता है कि वो चीज़ें एक जगह पे हो जाती हैं। इसी तरह से ये कुछ मैट्स मुझे चाहिए थे और मैट्स को ढूंढना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो बस ये इसी तरह के मुझे कुछ मैट्स मिले जिनको मैं किचन में रख के देखूँगी ये कैसे लगते हैं। स्टार्ट करेंगे जी हम अपने किचन के कैबिनेट्स के पेंट से, और यहाँ पे पेंट ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान होता तो हमें पता होता कि कौन सी शॉप से कैसा सा ऑयल पेंट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा शॉप्स का हमें पता नहीं था, तो बस फिर ड्यूलेक्स पे जाके हमने एक कलर बनवाया और बस अब देखें वो कैसा लगता है। और ये देखें कि मेरी जो किचन की कैबिनेट्स हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, जो यहाँ पर पहले से ये फिक्स हुई हुई हैं और ये अंदर से बिल्कुल येलो हो गई हैं। कुछ इनका पेंट मैंने पहले भी चेंज किया था और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो अभी जो कलर मैं इन पे करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वाइट और कुछ ऑफ वाइट मिक्स हैं, तो मैं टोटली इनका कलर चेंज करना चाहती हूँ। तो वो कलर सबसे पहले हम बनाएंगे और फिर हम करेंगे। वैसे तो जो कलर हमें चाहिए था वैसा सा वो सामने बन के नहीं आया, लेकिन क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग हमें ये भी ठीक लगा, क्योंकि इस पेंट से हमारी जो कैबिनेट्स हैं वो बहुत नीट हो गई थी। और यहाँ पर क्योंकि सैंडस्टॉर्म बहुत ज़्यादा आता है और फिर किचन अगर आपका छोटा
है और उस पर आपने कुकिंग भी करनी है, आपने अपनी लॉन्ड्री भी करनी है, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है हर चीज़ को क्लीन रखना। तो इसलिए हम कुछ ऐसा सही पेंट करना चाह रहे थे कि वो इतना ज़्यादा एक तो डस्टी ना लगे। क्योंकि हमने बजट लो रखना है और बहुत ज़्यादा हम इसको फैंसी नहीं कर देना चाहते कि बहुत ज़्यादा हमारा बजट आउट हो जाए, तो इसलिए बस हमने मिक्स एंड मैच करके कलर बनवाया और वही हम ले आए। और अभी ये पेंट जो है इतना डार्क भी नहीं है, इतना लाइट भी नहीं है, बस एक किचन को न्यू लुक दे देगा। और इसके पहले हमने सोचा कि ये हैंडल्स चेंज करें, लेकिन फिर हम आउट ऑफ बजट हो रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि फ़िलहाल ये ऐसे ही ठीक है। और आप देखेंगे इसका पूरा टेक्स्चर चेंज हो जाएगा। और ये जार्स भी मुझे नए बाय करने थे, लेकिन मुझे इस तरह के नहीं मिले, और वैसे मुझे ये भी बहुत पसंद हैं, तो फ़िलहाल मैं इन्हीं को नीट करके रख दूँगी। और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी जो किचन के शेल्फ्स हैं ये मार्बल के हैं, और ये मार्बल काफ़ी पुराना है, थोड़ी थोड़ी जगहों से टूटा हुआ भी है, ये देखें इस पर स्टेन्स हैं, तो इसलिए मैं इसको टोटली चेंज कर देना चाहती थी। और यहाँ पर जो शीट मुझे अवेलेबल थी वो यही थी, तो ये शीट हम इस पर फिक्स कर देंगे। और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ लोकल मार्केट से ही बाय की हैं, और अगर आप ये चीज़ें बाय करना चाहते हैं तो ये अली एक्सप्रेस और शीन से भी आपको बहुत ईजी मिल जाती हैं। शीन पे ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, अभी ये पूरे का पूरा बंडल मुझे 20 रियाल का मिल गया था, जो कि मोर देन इनफ था, क्योंकि मेरे किचन में शेल्फ्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो इसीलिए अगर आप इसको लोकल मार्केट से बाय कर लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको रीज़नेबल पड़ेगा। इन शीट्स को लगाना इतना आसान नहीं था जितना ये नज़र आता है, और मुझे भी यही लग रहा था कि मैं अकेले ही ये सारा कुछ कर लूँगी, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो रहा था, हस्बैंड की मदद के बगैर ये करना इम्पॉसिबल था। इसलिए जो है कुछ हस्बैंड ने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर एयर चली जाए तो इसमें कुछ बबल्स बन जाते हैं, इसलिए इसकी कोई टेक्निक होती है, और हमने दो बार इसको लगा के उतारा और उसके बाद हमें इसकी टेक्निक समझ आई, और फाइनली जी हमारा ये पेपर लग गया। किचन की कैबिनेट्स अंदर से कुछ ऐसी सी थी, और इन सब को मैं एक ही जगह पे करना चाहती थी, इसलिए मैंने यहाँ के लिए कुछ बास्केट्स बाय की। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बास्केट्स के बाद ये कितनी ज़्यादा नीट लगने लग गई थी। पेंट हो चुका है, कैबिनेट्स के अंदर की सेटिंग हो चुकी है, और किचन की ओवरऑल क्या लुक है मैं आपको दिखाती हूँ। किचन मेकओवर मेरा कंप्लीट हो गया है, और मैं यहाँ से आपको बताना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक डेकोरेटिव प्लेट रख दी थी, और इसके ऊपर कुछ जार्स हैं जिनके अंदर स्नैक्स पड़े हुए हैं। फिर ये पूरे का पूरा एक स्टैंड मैंने जो आइकिया से बाय किया था, मैंने आपको अपनी एक वीडियो पे सारा शो किया हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो हैं पहले बस इधर उधर बिखरी रहती थी, लेकिन इस स्टैंड की वजह से किचन काफ़ी ज़्यादा खुला लगने लग गया है, और मेरी सारी मशीन्स भी इस पर बहुत ईजीली आ गई हैं।
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैबिनेट्स का पेंट कैसा लग रहा है सूख जाने के बाद। और यहाँ की लाइटिंग मेरी टोटली येलो है, वार्म टोन है, इसलिए यहाँ का कुछ ऐसा सा ही कलर होना चाहिए था जो कि उसको कॉम्प्लीमेंट करे। और यहाँ पर मैंने ये मैट रख दिया है और ये आप कैबिनेट्स देख सकते हैं कि ये पेंट के बाद ऐसी हैं और ये शीट ऐसी लग रही है। साथ ही मैंने एक प्लांट यहाँ पे रख दिया है और ये शीट भी बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत नीट लग रही थी। यहाँ पे मैंने एक फ्रेम लगा दी है और ये जो मैंने यहाँ पे लैंप लगाया ये भी टेम्परेरी है, इसकी एक सेटिंग अभी करनी बाकी है क्योंकि ये बिल्कुल स्टोव के ऊपर वाली जगह है, तो इसलिए इसको मुझे थोड़ा सोच समझ के लगाना था। और ये आप देखें कि जहाँ पे ऑयल पड़ा होता है वो जगह पहले कितनी मैसी थी, तो इस बास्केट में रखने से ये कितनी खूबसूरत लगने लग गई है। और इस जग में मैंने ऑलिव ऑयल डाला हुआ है और इसमें घी है। और ये जो मेरे कप्स का रैक था ये सिल्वर था, इसको मैंने गोल्डन स्प्रे कर दिया है। यहाँ पर हर वक्त मेरे बहुत ही कलरफुल से बर्तन पड़े होते थे और वो यूज़ हो ना हो वो मैंने यहाँ पे रखे होते थे। अब मैंने वो सब निकाल के कैबिनेट्स में रख दिए हैं और सिर्फ जो मेरे डेली यूज़ के बर्तन होते हैं बस वही वहाँ पे पड़े होते हैं। और इस तरह से ये आप देखें कि मेरी किचन की फाइनल लुक है। लाइटिंग का यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये है कि इतनी ज़्यादा डे लाइट यहाँ पर आती नहीं है, इसलिए मुझे लाइट्स हर टाइम यहाँ पर ऑन रखनी पड़ती हैं। लेकिन इस ज़रा सी चेंजेस से किचन बहुत ही नीट एंड क्लीन लगने लग गया था, खुला लग रहा था और मुझे अपना किचन बहुत अच्छा लगने लग गया था। तो रमज़ान से पहले जो मुझे अपने किचन की सेटिंग चाहिए थी अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हुई। आई होप कि मेरी ये सेटिंग आपको भी अच्छी लगी होगी और बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही कम चीज़ों के साथ आप अपने किचन को बिल्कुल न्यू कर सकते हैं और आपको कुकिंग और हर चीज़ का उसमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।